अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर राजस्थान अकलियत कमीशन के चेयरमैन रफीक खान ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज सरकारी एजेंसी या मरकजी हुकूमत ईडी की जानिब से हमारे सीनियर लीडर राहुल गांधी के कहने पर उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। मुल्क की तारीख में पहली बार जब पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को उनके अपने पार्टी दफ्तर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हुकूमत और वक्त मांगने पर उन्होंने वज़ीर आला अशोक गहलोत के भाई पर सीबीआई छापे की मजम्मत की। उन्होंने कहा है कि हम ना डरने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं, हम राहुल गांधी के साथ कदम ब कदम खड़े होंगे। देश में माहौल है पूरे देश के अंदर जब कानून व्यवस्था चरमरा जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि देश की सर्वोच्च पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है, उसको अपने दफ्तर में जाने से रोक दिया जाए, इससे बड़ा डेमोक्रेसी पे आघात नहीं हो सकता। और वो लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस के बनाए हुए संविधान और लोकतंत्र के आधार पे सत्ता में पहुंचे, वो लोग आज ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को उनके दफ्तर में जाने से रोकेंगे, उनके नेताओं को। और सबसे बड़ा आघात तो तब लगता है जब हम मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने थाने जाते हैं तो एक स्टेट के मुख्यमंत्री को एक पुलिस स्टेशन में जाने से रोक दिया जाता है। स्टेट के मुख्यमंत्री के काफिले की 3 गाड़ियां जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं उनको वहां सिक्योरिटी गाड़ियों को काफिले से अलग कर दिया जाता है। स्टेट के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के कार्यालय में जाते हैं और आप उनसे कहते हो कि आपकी तो हम मुख्यमंत्रियों की इजाज़त है, हम बाकी लोगों को नहीं जाने देंगे, तो क्या देश को मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी के लोग, बाग सेंट्रल गवर्नमेंट, और किस तरीके से वो एक षड्यंत्र करके सुनियोजित षड्यंत्र करके कार्यकर्ताओं को रोकते हैं, गिरफ्तारी नहीं दिखाते हैं, डिटेन करते हैं, धारा 144 का बहाना बनाते हैं। धारा 144 किसी पार्टी के कार्यालय के बाहर धारा 144 लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम शांति प्रिय प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस कार्यालय के अंदर घुस जाती है, कार्यकर्ताओं को पकड़ लेती है, अंदर घुस के पकड़ लेती है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, विरोध को कॉग्निजेंस नहीं दी जाती। मुख्यमंत्री थाने में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओं से मिलने से रोक दिया जाता है। एक स्टेट के मुख्यमंत्री को रोक दिया जाता है, ऑफिस में जाने से रोक दिया जाता है, एजिटेशन करने से रोक दिया जाता है, अपनी बात कहने से रोक दिया जाता है। आज हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के अंदर क्या हम ऐसा कर दें कि बीजेपी के कार्यालय के बाहर धारा 144 लगा दें? फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ अल्लाह हाफिज़।